हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में टॉप 5 मिस्टीरियस प्लेस के बारे में बात करेंगे। नोरिल्स कुदरत की बनाई इस दुनिया को लेकर अक्सर आपने कई अजीबोगरीब तरह की बातें सुनी होगी, जैसे ये दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी, धरती फट जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ कई दिनों तक सूरज ही न निकले। नोरिल्स में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिस कारण यहाँ की औसत वार्षिक तापमान -10 डिग्री सेल्सियस रहता है। वही सर्दियों में यहाँ का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठंड से बचने के लिए आर्किटेक्ट्स ने शहर को इस तरह डिजाइन किया है ताकि कुछ ठंडी हवाओं को रोका जा सके। इसी वजह से इस शहर में प्रतिवर्ष 2 महीने तक अंधेरा रहता है। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा पैलेडियम और निकल धातु का भंडार है, इसलिए इसे सबसे अमीर शहर भी कहा जाता है। बड़े पैमाने पर खनन और शुद्धिकरण का काम होते रहने से यहाँ प्रदूषण की मात्रा काफी अधिक है। भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलने की वजह से यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। सैंडलन आइलैंड, कहा जाता है कि यहाँ खतरनाक आदिवासी रहते हैं। इनका दुनिया में किसी से भी संपर्क नहीं है। ये लोग न तो स्वयं इस द्वीप से बाहर आते हैं और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये भी आज तक पता नहीं चल पाया है। यहाँ जाना लोगों के लिए बहुत जानलेवा होता है, इसलिए द्वीप पर आम लोगों को जाना प्रतिबंध है। इस द्वीप पर रहने वाली सैंडलर जनजाति ने आज तक किसी भी बाहरी हमले का सामना नहीं किया है। ये लोग छोटे कद के होते हैं। रिसर्च के मुताबिक इनकी बनावट और भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा समुदाय का बताया जाता है। कार्बन डेटिंग के जरिए ये भी बताया जाता है कि इस जनजाति की उपस्थिति 2000 साल पहले की है। इस बात का भी दावा किया जाता है कि इस द्वीप पर मनुष्य की मौजूदगी 60,000 साल पहले से है। नंबर 3, डेथ वैली। डेथ वैली को दुनिया का सबसे गर्म जगह के रूप में जाना जाता है, जहां किसी का भी रह पाना नामुमकिन है। यहां का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में यहां किसी की भी मृत्यु हो सकती है। बताया जाता है कि अमेरिका जाने के लिए लोगों को इस घाटी से होकर गुजरना पड़ता था और यह दुनिया का सबसे गर्म जगहों में से एक है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले इंसान या जानवर रास्ते में ही गर्मी की वजह से दम तोड़ देते थे। वैज्ञानिकों ने जब इस जगह पर खोज की तो उन्हें भारी मात्रा में इंसानों और जानवरों की हड्डियाँ मिली, जिसके बाद इस जगह को डेथ वैली और मौत की घाटी का नाम दिया गया। इस जगह को 1933 में सरकार द्वारा अमेरिका का नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया गया। नंबर 4, डनकल डेजर्ट। दुनिया में लगभग सभी जगहों पर कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता है, कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी। लेकिन डनकल रेगिस्तान में पूरे साल न्यूनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। कभी कभी तो पारा 145 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के तालाबों का पानी हर वक्त उबलता रहता है। नंबर 5, स्नेक आइलैंड। दुनिया भर में कई जगह ऐसी है जो रोमांच, रहस्य और अजूबों से भरी हुई है। कई जगह ऐसी है जहाँ प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है, तो वहीं कई जगह ऐसा भी है जो जोखिमों से भरा हुआ है। क्या आपने कभी ऐसे जगहों के बारे में सुना है जहां इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है। ब्राजील में एक ऐसा ही द्वीप है जो हजारों विषैले सांपों से भरा पड़ा है। इस द्वीप का नाम इलाहा द क्यू इमादा है। यहां इतने सांपों का रहस्य क्या है ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस द्वीप को सांपों का द्वीप भी कहा जाता है। यहां प्रति 3 फीट की दूरी पर 1 से 5 सांप आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए ब्राजील की नौसेना ने सभी नागरिकों को द्वीप पर आना प्रतिबंधित किया हुआ है। तो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।